क्या है एपी के बारे में, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर फैक्ट अबाउट एपी, इसको नोट में डाल सकते हैं। कल एपी में हमने देख लिया था कि इसमें कॉमन डिफरेंस होगा बिटवीन ईच सक्सेसिव टर्म, वो सेम होगा। इफ ए फिक्स्ड नंबर इसे फिक्स नंबर इज एडेड आर सब्ट्रैक्टेड इज एडेड आर सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म Each term of a given AP then the resulting series is also an AP. And its common difference remain the same. If each term of an AP is multiplied by a fixed number by a fixed constant r divided by a non-zero constant then the resulting series in then the resulting series if each term of an AP is multiplied by a fixed constant or divided by a fixed non-zero constant then the resulting series is also an AP. Third point, if x1 plus x2 plus x3 dot 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 and y1 plus y2 plus y3 dot dot are two APs then बहुत important property है, then x1 plus minus y1
एक्स टू प्लस माइनस वाई टू एक्स थ्री प्लस माइनस वाई थ्री आर आल्सो एपीज। नोट कर लिया? यस सर। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने के लिए। थ्री टर्म्स इन एन एपी शुड प्रेफरेबली be taken as a minus d, a and a plus d। इसका फायदा ये होगा कि आपको जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो a माइनस डी ए प्लस डी ऐड करेंगे तो a की वैल्यू निकल सकती है, या आपको a और d की वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये टर्म। ठीक है, ध्यान रखना है कि हमेशा ऐसे टर्म को चूज करना है जो कि a के इस तरफ भी हो और a के इस तरफ भी हो, जब भी आपको टर्म चूज करने हो तो। ठीक है, यस। एंड फोर टर्म्स आर ए माइनस थ्री डी, टू डी नहीं लिया गया है, देखना ध्यान से, ए माइनस थ्री डी, यस, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए माइनस थ्री डी। अगर ए को यहाँ पे ले लिया जाता, ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक टर्म नहीं बन पाते हमारे पास। सर ए माइनस थ्री डी दोनों जगह आएगा? नहीं, प्लस होगा यहाँ पे। यस। ठीक है, तो ये है, अगर आप इन्हें दिमाग में रखेंगे टर्म चूज करने में तो एपी के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी सिंपलिसिटी आ जाएगी, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट, इन एपी ए एन इज गोइंग टू बी ए एन माइनस के प्लस ए एन प्लस के, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, डिवाइड बाय टू फॉर k इज लेस देन आर इक्वल टू n। इसको एक दो एग्जाम्पल लेकर के भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इसी टर्म को देखो ध्यान से तो क्या है, एक कॉमन डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे मैं एक सिंपल एपी ले रहा हूं, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन को ले लिया हमने। ठीक है, ओके। अब अगर हम इस टर्म की बात करते हैं कि हमको ये टर्म चाहिए, तो ये यहां से कौन सा टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म हुआ, है ना? यस। ये ए फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए फोर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये आपको कैसे कैसे मिल सकता है, ये आपको मिल सकता है 12 प्लस 4 बाई टू, ये आपको 6 प्लस 10 बाई टू, ये आपको 2 प्लस 14 बाई टू मिल जाएगा, दोनों से तीनों से मिलेगा ना। यस। यानी किसी भी k के लिए ये रिजल्ट आपका सही होगा। ठीक है, तो इन एपी ए एन कैन बी रिटन एज ए एन माइनस के प्लस ए एन प्लस के डिवाइड बाय टू, है ना? यस। एन इक्वल टू फोर है, के इक्वल टू वन ले ले तो क्या बन जाएगा, थ्री बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, फाइव बन जाएगा। ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फिफ्थ टर्म, है ना? यस यस। तो इस तरीके से इस चीज को हम वेरीफाई करके देख सकते हैं। सिक्स पॉइंट, तो यहाँ पे जैसे के जो ले रहे हैं वो के की वैल्यू डालेंगे एन से कम, अगर हाँ, एन फोर है
यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो सकती है, k की वैल्यू 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है ना। यस 4 रख के देंगे यहाँ पे तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 + 4 ये 8 हो जाएगा, मतलब आठवा टर्न 1 2 3 4 5 6 7 8वा टर्न 16 हो जाएगा आपका, है ना। यस 16/2 8 आ जाएगा। इसी तरीके से k इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, a6 मिल जाएगा। इनको ऐड करो, उसे डिवाइड करो तो 8 मिल जाएगा आपको, ठीक है। यस 6 पॉइंट, इफ ए ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन आर इन ए पी, देन ए वन है ये, देन ए वन प्लस ए एन विल बी ए टू प्लस ए एन माइनस टू विल बी ए थ्री प्लस ए एन माइनस ए एन था एन माइनस वन एन माइनस टू एंड डॉट 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 ए आर प्लस ए एन माइनस आर प्लस वन। ये यहीं से बना हुआ है, इसी वाले से बना हुआ है ये, ठीक है। किससे बना हुआ है ये इसी वाले टर्म से बना हुआ है। हर एक का डिवाइड बाय टू करते जाएंगे, टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बच्चे का यही वाला टर्म आपके पास है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, जो आपको टर्म चूज करने हैं, 3 या 4 टर्म चूज करने हैं, वो कैसे चूज करेंगे, a माइनस डी, a a प्लस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, इनको इसी ऑर्डर में चूज करेंगे तभी क्वेश्चन बनाना इजी होगा, अदरवाइज फिर उलझ जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, देखते हैं कैसे क्या हो पाएगा। किसी भी एपी को किसी भी फिक्स नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, एपी में ही रह जाएगा। कोई फिक्स नंबर किसी भी एपी में जोड़ या घटा दें हर एक टर्म में तो वो एपी ही रह जाएगा, ठीक है। इन प्रॉपर्टियों का हम खूब यूज करेंगे, खासतौर पे जब कॉम्प्लेक्स सीरीज टाइप की दे देगी, सीरीज ऐसा होगा जो मुझे एपी जैसा कभी हो सकता ना दिखे, तो वहां पे बनाने में काम आएंगी चीजें हमें ये, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ बी प्लस सी माइनस ए बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी बाई सी आर इन ए पी, then prove that one by a, one by b, one by c are also in AP, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, और हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। ये वाली, इफ ए फिक्स्ड नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म
जो भी बनेगा वो एपी में ही रह जाएगा, ठीक है। कैसे क्या फायदा होगा, देखो ये बी प्लस सी माइनस ए है, नीचे ए है, अगर इसमें प्लस टू ए कर दें तो ऊपर ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, है ना। यस, तो देखो बी प्लस सी माइनस ए बाई ए ये आपका एपी में है, सी प्लस ए माइनस बी बाई बी ए बी ये टर्म आपके एपी में है, है ना। यस, आर इन एपी देन बी प्लस सी माइनस ए बाई ए प्लस टू सी प्लस ए माइनस बी बाई बी प्लस टू ए प्लस बी माइनस सी बाई सी, सॉरी सी है ये प्लस टू, दिस विल आल्सो बी इन एपी आर आल्सो इन एपी, है ना। Yes. Let us simplify this. This can be written as A plus B plus C by A plus B plus C by A plus B plus C by A. Also in AP, है ना? A plus B plus C by B or C. A, B and C, हाँ ठीक है। Now divide each term by A plus B plus C, तो भी वो भी AP में होगा, है ना। Yes. This means 1 by A, 1 by B, 1 by C. Dividing each term by A plus B plus C are also in AP, है ना? Yes. तो इस तरीके से हम कई बार नंबर को देखते हैं और इन प्रॉपर्टी को यूज करके जो भी प्रूव करने वाली चीजें हैं इजिली हम कर सकते हैं। सर उससे भी हो जाता अगर हम ऐसे लेते मिडल वाला जिसे जो टर्म है वो, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज को करने के एक से अधिक तरीके होते हैं, ठीक है। यस, क्लियर हो गया। यस ठीक है, आगे बढ़े। यस, एक मिनट के लिए चाहो तो उस तरीके से करके देखो, आप बनाओगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ए बी सी एपी में है, हमें प्रूव करना है या दिखाना है कि ये भी होगा, तो इसमें ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, बी सी लिखा हुआ है, ये ए सी लिखा हुआ है, ये ए बी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। यस, इसका मतलब अगर ए बी सी को हम ए बी सी से डिवाइड कर दें तो 1/BC, 1/AC, 1/CA मिल जाएगा, मिल जाएगा। यस, देख तो कैसे बनाएंगे इसको। Given A comma B comma C are in AP. Now, then A upon ABC, B upon ABC and C upon ABC, ये भी AP में होगा। Yes. क्योंकि किसी भी फिक्स नंबर से डिवाइड करने या मल्टीप्लाई करने से एपी चेंज नहीं होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ 1/BC, 1/AC, 1/CA, 1/AB, दिस इज इन एपी, है ना, आर इन एपी। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ए बी सी आर इन एपी, 1/BC, 1/AC, 1/AB in AP, and if two sequences are in AP, तो उनका summation या उनका subtraction भी AP में होगा। This implies A plus 1/BC, B plus 1/AC, C plus 1/AB will also be in AP, है ना? अभी जो प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी
sum of two APs is also an AP. ठीक है? Yes. Since sum of two APs is also an AP. So this is how, if you remember the properties, then you can easily arrive at the result. ठीक? Yes. हो गया? Yes. Next वाला. अब देखो next वाले को question को देखते हैं, तो next वाला क्या? A B C R in AP. Then prove that following are also in AP. अब देखो क्या दिया हुआ है इसको? ये A square, B plus C, B square, C plus A, C square, A plus B दिया हुआ है. ठीक है? Yes. तो अब देखो क्या है, इसमें कोई हमें डायरेक्ट ट्रेंड नहीं मिल रहा है कि हम कोई नंबर ऐड कर दें, कुछ कर दें. तो हम क्या करें, हम मान लें कि ये प्रूफ सही है. क्या करें, हम मान लें कि ये एपी में है, तो इनकी हेल्प से अगर हम प्रूफ कर ले जाएं कि ए बी सी एपी में होंगे तो भी तो काम हो सकता है. यस यस. देखो कैसे हो जाएगा फिर. लेट अस सपोज गिवन सीक्वेंसेस इन एपी. ठीक है, तो सीक्वेंस क्या दिया हुआ अपने को, ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए एंड सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन एपी. सपोज है ना. Yes. अब अगर ये सपोज किया, अगर इससे हम प्रूव कर दें कि ए बी सी एपी में है, तो ये इसका रिवर्स में सही हो जाएगा, है ना. Yes. तो अगर एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, या टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. मैं कॉमन डिफरेंस लेके लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो फैक्टर इजली बन जाएगा. ठीक है, ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी इक्वल टू सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए एंड दिस इज इक्वल टू बी एक्चुअली, है ना. ठीक है, लेट अस सिंप्लीफाई दिस. यस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. देखो ध्यान से, यहाँ पे ये सी बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा ना, सी ए स्क्वायर हो जाएगा. इसमें से सी कॉमन निकाल लें अगर हम, तो क्या बच जाएगा अपने को, सी कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ये. ठीक. यस. बाकी टर्म क्या बचेगा अपने पास में, ए बी स्क्वायर बचेगा, है ना सर, माइनस सी ए स्क्वायर. अब माइनस ए स्क्वायर भी बचेगा यहाँ पे, एक ए बी स्क्वायर एक माइनस ए स्क्वायर भी है, तो अगर ए बी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, बी माइनस ए बच जाएगा यहाँ, है ना. यस. सिमिलरली यहाँ पे ले आए तो सी ए स्क्वायर है एंड बी ए स्क्वायर, तो ए कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस बी, और यहाँ पे बी सी कॉमन ले लो, ये बच जाएगा सी माइनस बी. ठीक है. यस. चलिए इसको भी सिंपलीफाई करते हैं. ये देखो बी माइनस ए है, अब बी स्क्वायर ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, है ना. यस. अब बी माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं तो सी इंटू बी प्लस ए बचेगा, यहाँ पे ए बी बचेगा ये, है ना. इसी तरीके से यहाँ सी माइनस बी कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा ए इंटू सी प्लस बी प्लस बी सी, है ना. इसको ओपन कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं.
तो ध्यान से देखें तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ए बी बी सी और ए सी, ए सी ए बी एंड बी सी, यही मिलेगा ना, यस दोनों सेम है ना, कट जाएंगे, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी मिल गया आपने, मिल गया ना। दिस कैन बी आल्सो रिटन एज टू बी इक्वल टू ए प्लस सी एंड दिस इंप्लाइज ए कामा बी कामा सी आर इन ए पी। हेंस आवर अजम्पशन इज ट्रू। जो हमने ब्रैकेट काटे पर वो तो सेम नहीं हुए ना सर, क्योंकि एक जगह एसी अच्छा से समझ आ गया। यस लिख लो इसको, यस ये बीसी प्लस एसी प्लस एबी हो जाएगा, यस एसी प्लस एबी प्लस बीसी है ना, ए बी से ए बी कटा, ए सी से ए सी कटा, बी सी से बी सी कटा, ठीक। यस हो गया। यस अब इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट वाला था, कोई इसमें भी कोई डायरेक्ट पैटर्न नहीं दिख रहा, क्योंकि अंडर रूट बी अंडर रूट सी है आपके पास में, तो क्या करोगे इसको भी सपोज कर लो कि दिस इज इन एपी, ठीक है। सर यहाँ पे रूट ए प्लस वन अपॉन रूट बी होगा या सर रूट ए प्लस रूट बी होगा? रूट ए प्लस रूट बी है, वो गलती से लिख दिया साथ ही, हमेशा वो सिमेट्री मेंटेन रहेगी पूरी, है ना। यस तो सपोज कर लो कि ये एपी में है, इसके हेल्प से आप फिर से प्रूव कर दो कि एबीसी इन एपी में है, ठीक है। यस ट्राई करो, लास्ट वाले करने के लिए हम जैसे पीछे यहाँ पे किए हैं वो वाला कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है, क्योंकि इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ए बाई बी प्लस ए बाई सी है, b by c plus b by a है, c by a plus c by b है ना। yes चलिए पहले इसको कर लो फिर इसको मैं बताऊंगा, नहीं मिलेगा तो हम इस टर्म को लिखते हैं जो दिया हुआ है हमें, ठीक है। yes. और मान लेते हैं कि जो दिया हुआ टर्म है ये ap में है, तो अगर ap में है तो एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, है ना। यस तो लेट लेट वन अपॉन अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, वन अपॉन अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए, वन अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी आर इन ए पी, देन वन बाई अंडर रूट सी प्लस वन बाई अंडर रूट ए माइनस वन अपॉन अंडर रूट बी प्लस वन अपॉन अंडर रूट सी इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ए प्लस वन अपॉन अंडर रूट बी माइनस वन अपॉन अंडर रूट सी प्लस वन अपॉन अंडर रूट ए, ठीक है। Yes. अब देखो इसमें एलसीएम वगैरह का कहीं कोई जुगाड़ नहीं है, तो डायरेक्टली इसको लिखते चलेंगे हम। और ध्यान रखना यहाँ पे सी सी कॉमन है तो सी सी ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। एक मिनट बैटरी मेरी, बी माइनस अंडर रूट ए नहीं बचे, एक मिनट देख रहा है। ठीक है, हाँ क्या बचेगा ये अंडर, देखो ये किसी कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए बचेगा, है ना। हाँ
ये अपने को दे देगा ऊपर अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए, अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए, नीचे क्या दे देगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट सी, लिख सकते हैं इसको यस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी लिख देते हैं, थोड़ा देखने में ही लगेगा ये, देखना कई बार हमसे ये मिस्टेक हो जा रही है बार बार प्लस के चक्कर में, वो अंडर रूट बी है ना ये। अब इसमें देखो ए का मन है तो क्या दे देगा ये अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट बी देगा ये, नीचे क्या देगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट सी देगा, अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए देगा ये, ठीक है सही है। यस ये टर्म कॉमन है तो कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा फिर बचेगा रूट बी माइनस रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट सी इक्वल टू, अब इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो जाएगा है ना, ये बी माइनस ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये सी माइनस बी हो जाएगा, ठीक यस फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले से, और इसका मीनिंग क्या हो गया टू बी इक्वल टू ए प्लस सी हो गया, दिस मीन ए कामा बी कामा सी आर इन ए पी, हेंस आवर एजम्पशंस दैट गिवन टर्म्स आर इन ए पी इज ट्रू, ठीक है यस हो गया यस यस। अगला टर्म क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें प्रूफ करना है ए वन अपान बी प्लस वन अपान सी वन बाय सी प्लस वन बाय ए वन बाय ए प्लस वन बाय बी। अब देखो इस टर्म को इजिली ऑब्टेंड किया जा सकता है, कैसे ऑब्टेंड किया सकता है हर एक टर्म को इंडिविजुअली देखो यहाँ पे, तो ये क्या है ये बी प्लस सी अपान बी सी है, ये ए प्लस सी अपान ए सी है, ए प्लस बी अपान ए बी है, मतलब वन अपान ए बी वन अपान ए सी वन अपान बी सी वाले टर्म से ही इसको बनाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, गिवन है ए कामा बी कामा सी आर इन ए पी, ए बी सी ए पी में है, तो अगर इनको सबको ए बी सी से डिवाइड कर दें हम तो ए अपान ए बी सी कामा बी अपान ए बी सी कामा सी अपान ए बी सी, ये भी ए पी में होगा यस, मीन्स वन अपान बी सी वन अपान ए सी एस सी ए वन अपान ए बी, ये भी इन ए पी में होगा यस, ठीक है। अब हम एक काम कर सकते हैं इन पूरे पूरे के टर्म को ए प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे पूरे टर्म को, क्या करें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ए सी बाई बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपान ए सी, देखना कुछ ऊपर नीचे हो गया है नहीं सही है, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपान ए बी, होगा यस। हमें चाहिए क्या, जो टर्म चाहिए उस टर्म के हिसाब से इसमें से बी सी को हटना पड़ेगा पहले वाले टर्म से, दूसरे वाले से ए सी को हटाना पड़ेगा और तीसरे वाले से ए बी को हटाना पड़ेगा, तो क्या करो सब में माइनस वन कर दो है ना, सब में माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपान बी सी माइनस वन, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपान ए सी माइनस वन, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपान ए बी माइनस वन, ये भी होगा एपी में यस। अब इसको देखो ध्यान से, इसमें से बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा
सॉल्व करने बीसी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से ये सी था तो ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब कैंसिल आउट होगा तो इसमें से ए कॉमन निकल जाएगा, तो ए कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, बी प्लस सी अपॉन बी सी बचेगा, है ना, उसको अलग अलग कर दो तो वन बाई सी प्लस वन बाई बी बच जाएगा, तो ये वन बाई बी प्लस वन बाई सी लिख सकते हैं इसको, यस, यहां से बी कॉमन हो जाएगा और ए सी बचा अपॉन ए सी बचेगा, तो वन बाई सी प्लस वन बाई ए लिख सकते हैं इसको, यस, यहाँ पे सी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर, ए प्लस बी बचेगा, बाई ए बी है तो वन बाई बी प्लस वन बाई ए, या वन बाई ए प्लस वन बाई बी लिख सकते हैं इसको, यस, आर आल्सो इन ए पी, ठीक है, यस, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें रिवर्स ही करना होता तो चूंकि आइडिया पता है जैसे हमने बताया वैसे कर लेते हैं इसको, कैसे सपोज कर लेते हैं कि जो गिवन टर्म है ये एपी में दिया हुआ है ना, और इसको अंदर ले जाकर के लिख देते हम, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी बन जाता है ना, प्लस ए सी अपॉन बी सी, यस, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी बन जाता, ये अपना बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी भी बन जाता। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, इसमें प्लस वन कर देते हैं हम, क्या करते हैं प्लस वन कर देते, तो जब प्लस वन करते तो ऊपर हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी सारे में हो जाता है, ये क्या हो जाता, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी सब में आ जाता है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी, इसमें से इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर सकते हैं पूरे को, है ना, सर 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन पूरा क्या बन जाता, 1 अपॉन बन जाता, और फिर सर उसमें ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देते हम, तो ए बी सी से मल्टीप्लाई करते तो ए कामा बी कामा सी आ जाता अपना, है ना, यस, ठीक है, तो ए कामा बी कामा सी भी आपका एपी में हो जाता, ठीक है, तो आपने इसके एपी मांग करके प्रूव कर दिया कि बी सी एपी में है, तो दोनों में जो भी पसंद आए वो आप इजीली कर सकते हैं उसको, ठीक है, यस,